Hello everyone and happy new year to all of you, to all my lovely subscriber and whole जो भी इस वीडियो को देख रहा है. सो आप सब तो कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करते ही होंगे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह हमारे कंप्यूटर, किस तरह हमारे मोबाइल के प्रोसेसर्स काम करते हैं? तो ये वीडियो है रिलेटेड कि किस तरह से हमारे प्रोसेसर करते हैं काम और उसको हम किस तरह करते हैं ऑर्गेनाइज. अब ये वीडियो खासकर इंजीनियर्स के लिए है, तो जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर अभी पढ़ रहा है तो वो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखे और मुझे पता है कि आपको पता चल जाएगा कि हाउ वी ऑर्गेनाइज द प्रोसेसर. तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है हाउ प्रोसेसर वर्क्स. सो शुरुआत करते हैं हमारे बेसिक टॉपिक के साथ में. अब बेसिक टॉपिक्स मतलब हमारे प्रोसेसर में बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ALU, MAR, MDR, जिसके बारे में मैं पहले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, उनकी लिंक है आई कार्ड के अंदर. साथ में उनके कुछ फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, तो उस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ जो भी मैंने अभी डाल रखे हैं आई कार्ड के अंदर. तो आप वो वीडियो को जरूर देखें और मुझे पता है कि ये वीडियो में भी कॉम्प्लिकेटेड जा सकती है, तो पहले आप उस वीडियो को जरूर चेक करें और उसके बाद में इस वीडियो को आखिर तक देखें. और मुझे पता है आपको वीडियो आएंगी पसंद, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ में. सो बेसिक्स में हम शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे पार्ट्स जो हर प्रोसेसर के अंदर होते हैं और उसे हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे प्रोसेसर की फंक्शनिंग फास्ट करने के लिए. तो पहला है सिग्नल कॉमन बस. अब बस क्या होती है? तो बस एक इस तरह के वायर्स होती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कनेक्शंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, जो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से जोड़ता है इन दी प्रोसेसर. और ये बहुत बेसिक कंपोनेंट है, क्योंकि अगर बसेस सही तरह से काम नहीं करेंगी, सही तरह से कनेक्टिविटी नहीं करेंगी, तो हमारे कंपोनेंट काम ही नहीं कर पाएंगे, हमारा डेटा ये रजिस्टर से वो रजिस्टर तक कभी पहुंचेगा ही नहीं. तो जो है बस, ये है सबसे पहला कंपोनेंट. उसके बाद में हम बढ़ते हैं डेटा एंड एड्रेस लाइंस की तरफ. अब डेटा और एड्रेस लाइंस है क्या? तो डेटा लाइन वो होती है जो डेटा को फ्लो करती है, यानी कि हमारे मेमोरी से जनरल पर्पस रजिस्टर की तरफ, हमारे एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी की तरफ जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें का जो डेटा है वो जो फ्लो होता है वो डेटा लाइन के थ्रू होता है. और जो एड्रेस लाइन है उसका काम, उसके नाम से आपको समझ ही आ रहा है, ये एड्रेसेस कैरी करती है. यानी जब प्रोसेसर को चाहिए होता है कि मुझे 1, 2, 3, 4 एड्रेस का डेटा चाहिए, तो वो डेटा हमारे मेमोरी तक डेटा लाइन के थ्रू जाता है. उसके बाद में है MAR और MDR. अब आई कार्ड में जो लिंक है उसमें आपको ये टॉपिक समझ जाएगा ब्रीफली, बट बेसिकली मैं बताऊं तो MAR होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. ये प्रोसेसर के अंदर एक छोटा रजिस्टर होता है जो ये बताता है कि प्रोसेसर को कौन से एड्रेस का डेटा चाहिए. ये डेटा नहीं बताता है, ये बताता है कि वो डेटा कहाँ पर है. और मेमोरी डेटा रजिस्टर, अब मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है? ये वो रजिस्टर है जो आने वाले डेटा को पकड़ के रखता है कुछ वक्त के लिए. यानी कि जो डेटा आ रहा है उसको मेमोरी डेटा रजिस्टर कुछ वक्त के लिए रोक रखता है, उसके बाद वो जनरल पर्पस रजिस्टर में चल जाता है, तो ये उस काम में आता है. उसके बाद है कंट्रोल्स लाइन. कंट्रोल लाइन प्रोसेसर का एक बहुत बड़ा हथियार मान सकते हैं आप, जो हर चीज को कंट्रोल करती है. अब जैसे कि ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट प्रोसेसर के अंदर जो सारे के सारे लॉजिक ऑपरेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है, तो उससे कैसे पता चलता है कि मुझे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं? तो ये जो ऑपरेशंस की कमांड होती है जो प्रोसेसर भेजता है ALU को, वो पहुंचती है कंट्रोल लाइन्स की तरफ. अब कंट्रोल लाइन्स बहुत सारे तरह के काम करते हैं. वो ALU को बताते हैं कि उसे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो मेमोरी को बताते हैं कि मुझे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने के, जैसे कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो कंट्रोल लाइंस के कुछ मैंने एग्जांपल मैंने बताए हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कुछ मेरी प्रीवियस वीडियोस है. तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के, अगले बेसिक कंसेप्ट की तरफ, वो है प्रोसेसर रजिस्टर. अब प्रोसेसर रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है IP, उसी तरह से PC है प्रोग्राम काउंटर, जैसे कि नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा होने वाला है, ऐसे जो बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं वो, साथ में जनरल पर्पस रजिस्टर. ऐसे रजिस्टर्स जो प्रोसेसिंग के टाइम पे प्रोसेसर को हेल्प करते हैं
डेटा को स्टोर करने के लिए एट द इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर। उसके बाद में मक्स यानी कि मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर्स का काम ऐसा होता है कि जब भी हम कोई एड्रेस को डिफाइन करते हैं तो एड्रेस होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो हम क्या करते हैं, हम उन एड्रेसेस को छोटे फॉर्म में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर का यही काम होता है कि वो छोटे से एड्रेस में से बहुत बड़ा एड्रेस पता लगा लेता है और उस स्पेसिफिक एड्रेस की तरफ पॉइंट कर सकने की ताकत रखता है। तो ये काम कौन करेगा, तो ये मल्टीप्लेक्सर करेगा। उसके बाद आता है ALU, मेन मैजिकल पार्ट, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो काम करता है सारे ऑपरेशंस का, लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि एंड और एक्सऑर वगैरह वगैरह, साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लाइक दैट। उसके बाद में है इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल लॉजिक यूनिट। अब ये क्या काम करता है, जो इंस्ट्रक्शन हमारे मेमोरी में से प्रोसेसर के अंदर आती है तो वो प्रोसेसिंग, वो जो इंस्ट्रक्शन है वो एक कोडेड फॉर्म में होता है, तो हमें उसे तो प्रोसेसर को पता लगाना पड़ता है कि वो डेटा क्या है। जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन है एड ए कॉमा बी, और प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि ए डबल डी का मतलब एडिशन होता है, तो ये काम करता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ये उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और बताता है कि उसे किस तरह उस प्रोसेसर को उस प्रोसेस को हैंडल करना है। उसी तरह से कंट्रोल लॉजिक यूनिट यही काम करने में मदद करता है कि किस तरह से जो भी हम कंट्रोलिंग हो रही है, जैसे कि ALU को बताना है कि भाई तुझे ऐड करना है, तो ये जो कंट्रोलिंग होती है ये सारे पार्ट भी हमारे प्रोसेसर के अंदर आते हैं। और डेटा पाथ, डेटा पाथ यानी कि वो पाथ कि किस तरह डेटा इधर से उधर फ्लो हो रहा है मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, तो ये सारी चीजें उसमें चली जाती है। तो ये सारे कंपोनेंट तो हम समझ गए, ये ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी कोई प्रोसेसर बनाते हैं तो हमारा मेन मोटो होता है कि वो फास्ट काम करे, और कंप्यूटर के अंदर फास्ट काम करने का मतलब होता है बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेसर। तो पहला था हमारा बस, सो ये रही हमारी बस। ओह ये तो इंटरनल प्रोसेसर बस है, इसका क्या मतलब हुआ, प्रोसेसर। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर कई तरह की बसेस होती है, तो हमारी बसेस में हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को जोड़ा, बट इंटरनल प्रोसेसर बस वो बस होती है जो प्रोसेसर के अंदर होती है और जो मेन प्रोसेसर के कंपोनेंट्स को जोड़ती है। इसका बाहर की मेमोरी से, एक्सटर्नल मेमोरी से कोई लेन देन नहीं है, और जो भी रजिस्टर, जो भी थिंग्स, जो भी हमारे कॉन्टेक्ट्स है जो बाहर एक्सटर्नल तरीके से काम करते हैं उनका एक कनेक्शन होता है इंटरनल बस के साथ, तो सेकंड कनेक्शन होता है एक्सटर्नल बस के साथ में, जो आपको टॉपिक में पता चल ही जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की। प्रोग्राम काउंटर ये एक ऐसा पॉइंट है जो बताता है कि हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी रहने वाली है। अब होता ये है कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो प्रोसेसर को ये भी पता होना चाहिए कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, नहीं तो फिर सब गैम्बलिंग हो जाएगा, सब मिक्सर हो जाएगा यार, कौन सी प्रोसेसिंग के बाद कौन सा प्रोसेस करना है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसलिए वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, उसका एड्रेस पता लगा के रखता है। ओके, तो मुझे फर्स्ट के बाद में सेकंड एड्रेस को एग्जीक्यूट करना है, तो इंटरनल बस से प्रोग्राम काउंटर को सिर्फ आउटलाइन मिलती है, यानी कि बाहर जाने का सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आता है डेटा इंटरनल बस से पीसी की तरफ। अब उसके बाद में आते हैं हमारे MAR और MDR। अब MAR MDR को में से जो MAR है उसको इंटरनल बस से MAR तक का ही चैनल मिलता है, और इससे मतलब ये होता है कि जब प्रोसेसर को डेटा चाहिए होता है, यानी कि मुझे भी ये एड्रेस चाहिए, तो MAR उस एड्रेस को डबल से वापस तो प्रोसेसर की तरफ भेजेगा नहीं, तो वो बोथ साइड नहीं होता है। उसी तरह जो एड्रेस उसके अंदर आया हुआ है वो उसकी मांग किससे करेगा, तो मेमोरी से करेगा, तो वो फिर मेमोरी बस को जाके कनेक्ट होता है, यानी कि जब भी मेमोरी प्रोसेस कंट्रोल करेगा तो वो उसके तरफ उसे भेज देता है, तो ये सिंगल डायरेक्शनल है। अब मेमोरी डेटा रजिस्टर, अब मेमोरी डेटा रजिस्टर ये डुअल डायरेक्शन रजिस्टर से, डुअल चैनल, डुअल डायरेक्शन कनेक्शन से मेमोरी बस प्रोसेसर बस से जुड़ा होता है। रीजन ये है कि जो डेटा आएगा मेमोरी डेटा में वो वापस से प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर में जा सकता है, या फिर जो डेटा प्रोसेस होकर मेमोरी की तरफ भेजना है तो वो भी हो सकता है, तो ये डुअल चैनल होता है, और ये भी प्रोसेसर के बाद में मेमोरी से जुड़ने वाला है, तो
फिर इसका सेकंड कनेक्शन होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर से, जो कि सॉरी मेमोरी डेटा बस से, और ये भी बहुत डायरेक्शनल होता है। और जो एड्रेस लाइन थी मैंने आपको बताया, जो हमने पहले टॉपिक करा है एड्रेस लाइन, वो जुड़ी होती है MAR के साथ में, और जो डेटा लाइन होती है वो जुड़ी होती है मेमोरी डेटा रजिस्टर से, यानी कि MDR से। सिंपल है ना। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मेमोरी इंस्ट्रक्शन डिकोडर और कंट्रोल लॉजिक। अब ये जो है ये एक बहुत अलग कंपोनेंट है जिसका एक ही काम है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और प्रोसेसर को कंट्रोल भेजना। यानी कि क्या होता है, सबसे पहले ये पार्ट करता है डिकोड और उसके बाद में सारे कंपोनेंट को इस तरह एडजस्ट करता है कि प्रोसेसिंग फास्ट हो। इसका मतलब ये कंट्रोल यूनिट भी होता है और डिकोडिंग सेक्शन भी होता है, और ये सिर्फ इसको बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल मिल जाते हैं जो कि ये एक्सटर्नल मेमोरी को भी प्रोवाइड करता है, अलग अलग डिवाइसेस को भी प्रोवाइड कर देता है। इसको इंटरनल इनपुट कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल्स, मेमोरी कंट्रोल्स, इसके पास सारे कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होती है। तो और साथ में इंटरनल कंट्रोल तो उसको है ही, तो इसके पास में भी अपने पास से लेके तो मेमोरी बस के अंदर एक कनेक्शन दिया होता है। अब हम बढ़ते हैं IR की तरफ, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को पता लगाता है, यानी कि जब हमारी इंस्ट्रक्शन का कॉलअप आता है यानी इंस्ट्रक्शन आ जाती है मेमोरी में से, तो वो स्टोर होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, उस मेमोरी को उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड की तरफ भेजेगा, तो हमने तो फिर IR से ऊपर की तरफ इंस्ट्रक्शन जाएंगी और वहां पे वो जाके एग्जीक्यूट होंगी, वो डिकोड होंगी, उसके बाद उसके कंट्रोल लाइंस पे से अलग अलग एप्लीकेशंस होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सब बातें होंगी। ये सब क्या आ गए, R0, R1, उसके बाद में Rn-1, ये है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ये जनरल पर्पस रजिस्टर का काम ये होता है कि जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो टेम्पररीली जो उसमें बीच में इंटरमीडिएट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो उसके बीच में जो जंक फाइल्स होती है, जंक नहीं बोल सकते हैं, बट जो इंटरमीडिएट फाइल्स आती है उन फाइल्स को स्टोर करता है। जैसे कि आपने स्वाइपिंग फंक्शन विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल का कभी आपने प्रोग्राम करा होगा तो आप जानते होंगे कि हम एक टेम्पररी वेरिएबल को कॉल करते हैं, तो टेम्पररी वेरिएबल स्टोर कहाँ होगा। अब उसको हम कभी मेमोरी में भेजेंगे और मेमोरी से वापस बुलाएंगे तो यार उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आपको तो पता है कि मेमोरी कितनी स्लो होती है प्रोसेसर के मामले में, तो इसीलिए उसको वहीं पर ही पास नहीं कहीं प्रोसेसर में स्टोर कर दो फटाफट से डेटा जो एक फास्ट मेमोरी हो, तो जनरल पर्पस रजिस्टर से वो फटाफट उसमें इधर से डेटा निकालो, उधर डालो, उधर से डेटा निकालो, उधर डालो, तो इससे जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो हो जाती है बहुत ज़्यादा फास्ट। तो ये जो R0 से लेके तो Rn-1 तक जितने भी आपको डेटा दिख रहा है, जितने भी रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, वो सब के सब है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। और ये भी बोथ डायरेक्शन होते हैं क्योंकि प्रोसेसर इंटरनल बस से डेटा वो डालता भी है जनरल पर्पस रजिस्टर में, और ये जनरल पर्पस रजिस्टर से आगे डबल से डेटा दूसरे रजिस्टर की तरफ भी भेजा जाता है, तो ये बोथ डायरेक्शनल चैनल को जुड़ा होता है। अब उसके बाद में टेम्पररी, ये टेम्पररी भी उसी तरह की कुछ रजिस्टर्स में से एक होती है जो टेम्पररी वेरिएबल्स को कॉल करते हैं, कुछ अलग अलग तरह के प्रोसेसर्स के में भी ये काम करता है, तो ये भी हमारा एक स्पेसिफिक टाइप का रजिस्टर है जो बोथ डायरेक्शन से जुड़ा होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे ऐसे यूनिट्स की तरफ जो काम करते हैं हमारे ALU के साथ में। अब जो ये अगला कंसेप्ट है कि मक्स, ये क्या है, तो मक्स ऐसा कंपोनेंट होता है जो डिसाइड करता है कि उसे कौन से वेरिएबल को आगे भेजना है ALU के अंदर। अब समझो हमारे पास में एक अलग से वेरिएबल है आउटपुट, एक अलग से रजिस्टर है वाई, और हमें उस वाई का जो है, जो वाई का आउटपुट है वो हमें प्रोसेसिंग के लिए भेजना है, तो जो सिलेक्ट कंपोनेंट होगा वो वाई को सिलेक्ट करेगा और आगे जो डेटा जाएगा ALU के अंदर वो वाई रहेगा। लेकिन कभी हमें कॉन्स्टेंट 4 को भेजना है तो ऐसे टाइम पे हम इस्तेमाल करेंगे सिलेक्ट को, और सिलेक्ट को और सिलेक्ट से हम कॉन्स्टेंट वाई को चुनेंगे, कॉन्स्टेंट 4 को चुनेंगे, और हमारा जो ए कंपोनेंट होगा वो कॉन्स्टेंट वाई को जुड़ जाएंगे। कॉन्स्टेंट मतलब कि वो हमारे ALU को कॉन्स्टेंट 4 हमारे ALU को पहुंच जाएगा। यानी कि कभी हम सिलेक्ट को कॉन्स्टेंट 4 को आगे भेजने का बोलेंगे
तो हम सिलेक्ट को उस तरह कनेक्ट करेंगे और वो आगे उस वेरिएबल को भेज देगा। तो मल्टीप्लेक्सर का ये होता है कि उसे कौन से डेटा को भेजना है, यानी कि उसको ए को भेजना है या उसको बी को भेजना है। तो हमारे पास कभी बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, यानी कि बहुत सारे हमारे पास रजिस्टर कनेक्टेड है, तो मल्टीप्लेक्सर ये डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से डेटा को भेजना है, ये डिपेंड करेगा सिलेक्ट कंपोनेंट से। और अब हमारा मैजिकल पार्ट ए एल यू। अब आपको दिख रहा होगा अरे बापरे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ए एल यू भी है उसके अंदर ए बी एड ऑक्स और उसके बाद कैरी इन जेड और ए एल यू कंट्रोल लाइन है क्या। तो बहुत सिंपल है, ए एल यू का काम होता है ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो हर ऑपरेशन होंगे कई सारे रजिस्टर्स के बीच में, कई सारे ऑपरेंड्स के बीच में। तो ऑपरेंड ए आता है मल्टीप्लेक्सर से, ऑपरेंड बी आता है डायरेक्टली डेटा के पास से, इंस्ट्रक्शन लाइंस के पास से। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वहां से वो आते हैं दोनों ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड ए और ऑपरेंड बी में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एएलयू को कौन बताएगा, तो एएलयू कंट्रोल लाइंस। अब एएलयू कंट्रोल लाइंस कहां से आती है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर से। और इसी तरह से एएलयू को पता चल जाता है कि उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, या फिर उसे करना है एक्स और। तो ये सारे ऑपरेशंस वो करता है परफॉर्म। अब उसके बाद में कई सारे ऑपरेशन में हमें ऐसा करना पड़ता है कि कैरी इन लगाना पड़ता है, जैसे कि हमने कई सारे बार हमने कई सारे बेसिक ऑपरेशंस के अंदर हमें कैरी लगाना पड़ता है, बोरो लगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए एएलयू को एक कैरी का भी इनपुट दिया जाता है और एएलयू का जो आउटपुट रहेगा वो जाता है जेड के अंदर, यानी रजिस्टर जेड में। और वो कनेक्टेड किससे है, तो कनेक्टेड है इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर बस से। और दोस्तों जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं ये हमें बताती है किस तरह हमारा प्रोसेसर कनेक्टेड होता है इंटरनली, और ये है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेसर और इस तरह प्रोसेसर करता है काम। अब आपको ब्रीफ में कभी मैं बताऊं, सबसे पहले जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो प्रोग्राम को पता लगाता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शन के बाद में कौन सी इंस्ट्रक्शन होने वाली है एग्जीक्यूट। जब पहली वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम काउंटर है वो उस एड्रेस को MDMAR में भेजता है। MAR उस एड्रेस का पता लगाता है, उस एड्रेस का जो डेटा आता है वो MDR में आता है, देन MDR उसे, अब वो कभी डेटा होता है तो R0, R1, R2 में जाएगा, लेकिन कभी वो इंस्ट्रक्शन है तो वो IR के अंदर जाएगा। IR से आने वाली इंस्ट्रक्शन वो डिकोडर में जाती है, वो होती है डिकोड। डिकोड होने के बाद में उसके जितने भी कंट्रोल्स है, यानी कि एक कंट्रोल जाएगा मेमोरी को, दूसरा कंट्रोल जाएगा ALU को, और ऐसे बहुत ऐसे सारे प्रोसेसिंग जो भी होने वाले उसके कंट्रोल्स वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद में अब पॉइंट आता है कि उसमें से कौन कौन से ऑपरेंड लगने वाले, तो वो ऑपरेंड भी उसी तरह से प्रोग्राम काउंटर, फिर MAR, MDR से फिर ऑपरेंड जाते हैं, वो जाके जनरल पर्पज रजिस्टर में होते हैं स्टोर। और ये स्टोर होने के बाद में ये जो भी डेटा आने वाला होता है, ये जो भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ये जाते हैं ALU के अंदर। ALU करता है उसे परफॉर्म और हमारे वैल्यूज होती है स्टोर Z में स्टेबल। और ये जो Z होता है, ये Z तो अकेला है जैसा रियली ये बहुत सारे होते हैं, बट फिर भी अब ये होते हैं बहुत कम। तो ये जो Z होता है, ये Z अपने सारे के सारे डेटा को डाल देता है डबल से R0 में जब भी जरूरत होती है। R0 यानी जनरल पर्पज रजिस्टर, ये और जो ये जेड होता है ये डेटा को डाल देता है जनरल पर्पज रजिस्टर में, और जब भी जरूरत होती है जनरल पर्पज रजिस्टर से डेटा को निकालता जाता है, प्रोसेस करता जाता है, डबल डालता जाता है। जब प्रोसेसिंग हो जाती है खत्म, तो हमें जहाँ पे भी हमारे आंसर को स्टोर करना है डबल से MAR पता लगाता है, MDR के अंदर डेटा होता है और वो आगे मेमोरी में भेज दिया जाता है। लंबी प्रोसेस थी ना, बट आई होप आपको आगे होंगी ये प्रोसेस समझ। सो थैंक यू माई फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद। और इस पार्ट के आगे अभी और कुछ पार्ट है बाकी जो आने वाले सीरीज में 3-3 दिन के गैप से। जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को किया है पहले सब्सक्राइब, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू लविंग माई चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड साइनिंग ऑफ माई फ्रेंड, गुड बाय।